दोस्तों देखिए दो बच्चे छोटे छोटे हम लोग से बाय करते हुए, और देखिए अपने घर में खेल रहे हैं दोस्तों घर घर। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप देख सकते हैं इस टाइम मैं रोड पर टहला मार रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं पेपर देने आई थी। और आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं दोस्तों चाय पीने, क्योंकि पहली शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और दूसरी शिफ्ट का पेपर 2:30 बजे से है। हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल चाय पीने दोस्तों चारों तरफ। चाहो तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जंगल झाड़ी है थोड़ा सा, अभी सरसों का खेत आएगा। अब देखिए अब आ गया खेत, तो चलिए चाय पी लेते हैं क्योंकि सुबह से भूखे प्यासे हैं दोस्तों। यहाँ से जो चौराहा है काफ़ी मतलब आगे है, तो मैं पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है दोस्तों। अभी से कितने पेपर में अभी 2.5 घंटे का गैप दिया गया है, 2.5 से 3 घंटे का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैं और प्रशांत सर जी दोनों लोग आए हैं पेपर देने। जैसे मेरा और प्रशांत सर जी का सेंटर सेम था, तो सभी भैया छोड़ गए हम लोग को, फिर हम लोग को जाना है। तो अभी हम लोग पैदल पैदल भी चल रहे हैं और वहाँ पे जाके चाय पीना है और कुछ खाना है, क्योंकि अब भूख भी लग गई है। दोपहर के 12 बजने को आए हैं। इस टाइम जयपुर चौराहे पे हूँ। और तुम्हारा खा पी करके जा रहे हैं वापस अपने सेंटर पे। और दोस्तों आयोजन भाल मोहन रोड, ये इसका लिखा बाउंड्री निर्माण का करबला है। हाँ, ये करबला नहीं है दोस्तों, ये करबला है ना, करबला है। ये इन्होंने चांदी जी श्री मतलब श्रीमती चांदी जी जो अध्यक्ष नगर है उनका नाम पढ़ लिया था। ये दोस्तों गलती से मिस्टेक हो गई है। हेलो दोस्तों, पढ़ा जी में इतना सब कुछ वो आया आया वही जो हमने पढ़ा नहीं दोस्तों। ईमानदारी से बता रही हूँ, पेपर अच्छा था, मैंने पेपर को टच किया ऊपर से, लेकिन डीपली मैंने नहीं पढ़ा था तो ठीक ठाक हुआ पेपर। अच्छा था। जिसने अच्छे से पढ़ा है डीपली एकदम कहानी टू कहानी, उसने कनेक्ट करके अच्छे से बढ़िया जोड़ा बनाया, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का। रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी, रीजनिंग के 4-5 प्रश्न आए थे, क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत अच्छे थे, रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी। अब दोस्तों हिंदी की बारी है, मतलब 5 से अच्छी थी। अब हिंदी की बारी, हम लोग हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, हिंदी में हम लोगों ने अच्छा मारा है। दोस्तों देखिए दो बच्चे छोटे छोटे हम लोग से बाय करते हुए, और देखिए अपने घर में खेल रहे हैं दोस्तों घर घर। आए दादा घर घर खेलते हुए दो बच्चे, बकरी का बच्चा मेमे करता हुआ, मेमना है, मेमना। देखो बिल्कुल मेरे मामा के पीएससी पे आधो का पेपर देने आए थे, घास चलाने लगे जैसे बिल्कुल मेरे मामा के घर जैसा माहौल। हमको लगा यूँ ना कहीं तो हमें मामा तो ना लग रहा है। नहीं, मेरे मामा के घर जैसा है ऐसे। इनके वहाँ भी एक छोटी सी बकरी का नाम है मोहिनी, और उससे बाकी पूरा खेत खलियान है। और ये टट्टर जाता हुआ इसका स्पीड में, वाह गाइस मैं थक गई हूँ चलते चलते, और मेरी खोपड़ी तो फटी जा रही है, बस फट के अलग नहीं हुई है। और यही देखते जैसे चारों तरफ खेत खलियान है, धूप खिली हुई है अच्छी सी, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडक थी तो मुझे जुकाम हो गया। दोस्तों हम लोग सेंटर के पास पहुंचने वाले हैं, और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ी देर बैठ करके पढ़ेंगे, एक मैराथन देखेंगे छोटी सी, और फिर पेपर देने चले जाएंगे। फिर आपसे सीधे दोस्तों पेपर के बाद ही मिलेंगे, सेकंड मीटिंग का पेपर होगा तो मैं बताऊंगी आपको कि मेरा पेपर अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा हुआ। और मैं तो बताऊंगा घर पहुँच के, क्योंकि मुझे मिलाना पड़ेगा, तो मैंने मतलब जहाँ तक मिलाया उसमें सही भी थे और कुछ गलत भी थे, इस वजह से मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, बाद में बताऊँगा जरूर दोस्तों। दोस्तों मैं ये सब काम नहीं करती, मिलना मिलाना वाला मतलब कि नहीं, मैं तो भाई करता हूँ दोस्तों। टेंशन हो जाती है दिमाग में, मैं खोपड़ी आप देखते हैं वैसे सर में हमेशा दर्द रहता है, पता चले सच में अलग हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाए, इसलिए काम वही करना चाहिए जिसमें आपको, जैसे कि प्रशांत सर जी को मिलती है खुशी क्वेश्चन पेपर चेक करने में, भाई हमको बहुत मिलती है, हमारा ये काम अनुसर हमारे करवाएंगे साथ में मिलके। हाँ दोस्तों ये बात तो सत्य है। हेलो गाइस, और जैसा कि पेपर हो चुका है हम लोगों का, हम लोग पेपर खा के मतलब पेपर खा के कहते चुंगल खा के जा रहे घर, और पेपर मेरा हो चुका है, मैम का भी हुआ है, और डिस्कशन हो रही थी पेपर के बारे में कि कैसा गया कैसा नहीं गया, कुछ मेरे गलत हुए हैं तो मैं इतना डीपली नहीं लेता इन सब बातों को, क्योंकि पेपर है और उतार चढ़ाव हुआ करते पेपर में, इस वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ना उतार ना चढ़ाव।
मैम ने 15-20 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर दिया था और मेरे जस्ट बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, उसने भाई साहब क्या बात है, हिंदी का महायाता होगा, आधा घंटे से ऊपर यानी 45 मिनट का था समथिंग उसने पेपर ख़त्म कर दिया था, मतलब आगे पीछे पे बैठा हुआ था। मगर मैंने सुना तो मेरा दिल खुश हो गया, हमने कहा ऐसे ऐसे धुरंधर हैं भाई साहब, क्या बात थी पेपर का, सही बात है, पेपर अच्छा है, काबिले तारीफ थी पेपर के, मामला बहुत अच्छा था वो। बाकी अभी चलते हैं, कुछ दिखाते हैं तुमको, आगे चाय पियेंगे अभी, क्योंकि चाय मेरी मोहब्बत है और चाय को तो मैं नहीं छोड़ सकता कोई भी हालत पे। बाय बाय दोस्तों, आइए मैं आपको यहाँ पे बैक कैमरा करके यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ, क्योंकि अब दोबारा पता नहीं कभी आना हो या ना हो। नाला दिखा दोस्तों, यहाँ से खेती देखिए कितनी सुंदर है, एकदम और दोस्तों कहने को ये गांव है पर गांव जैसा बिल्कुल कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा इलाका है जयपुर, आप बोल दीजिए इसकी खासियत। और दोस्त मैं तुमको एक गांव का वो दिखाता हूँ, DDLJ 2 की शूटिंग होगी यहाँ पे इस सरसों के खेत में, और जबकि ये सरसों के खेत में जो शूटिंग होगी तो यहाँ पे मैं करूँगा हीरो का रोल आने वाले समय में। अब जब नौकरी नहीं मिलेगी तो यही कुछ ना कुछ भैया करना पड़ेगा, और क्या बताएं, देखा जाएगा। बाकी अब रोड दिखाओ तो नहीं, ये रोड है, रोड तो आपने देखी नहीं होगी तो आप देख लीजिए कि ये क्या, ये तो फिर है ना सर। और आज भाई साहब मेरे साथ एक पर्यावरणी का आया था, उसमें मेरा मोए मोए हो गया, मैंने सही का लगा के गलत कर दिया है। दोस्तों ये जैतपुर की मार्केट है, जैतपुर की मार्केट दोस्तों बिल्कुल मेरे बाराबंकी जैसी ही मार्केट है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। पैदल चली 4 घंटे में पहुँच गए। अंगूर काले वाले अंगूर, अरे अंगूर न्यूजीलैंड। अच्छा कीवी, हमने एक दिन घर वालों का न्यूजीलैंड दे दो। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं घर पहुंचने वाली थी पर रास्ते में मैं रुक गई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जेब्रा पार्क मिल गया रास्ते में मुझे जेब्रा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए जेब्रा पार्क में घूमी घूमी करने, और दोस्तों सुबह से निकले निकले भूख भी लग गई है, प्यास भी लगी है, बस हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। और दोस्तों ये जेब्रा पार्क के रास्ते में मिल गया, मतलब पड़ गया, तो हम लोग यहीं पर उतर के आ लिए, यहीं से ऑटो मिलने वाला था, तो हम लोग सोचे घूमी घूमी कर लें थोड़ी से। सर जी आ गया और झूलों लगा है, झूला लगा है आगे झूला। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा टहल लेते हैं फिर घर की ओर रवाना होते हैं। जेब्रा पार्क है मगर जेब्रा इसमें है नहीं कहीं दोस्तों, इन फ्यूचर इसमें जेब्रा पाले जाएंगे। सॉरी मजाक कर रही, पाले नहीं जाएंगे। तो चलिए टहल लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों ये दोनों भी जेब्रा पार्क घूमते हुए और चलिए दोस्तों झूला झूलते, झूला मेरा फेवरेट है और सूरज दादा भी आप देख सकते हैं। हाँ तो रुको अभी चलिए। तो जेब्रा का तो पता नहीं है पर यहाँ पे मुझे कुत्ते मिले हैं, कुछ मतलब डॉगी मिले हैं और अब पंछी उड़ रहे हैं वहाँ पे। पंछी वो उड़ गए, ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं वो उड़ गए। दोस्तों आप लोग भूखे भी होंगे तो आप लोग भी खा सकते हैं, बाद में ये मत करना कि अकेले हम दिए मतलब खा लिए आई मीन, और यहाँ पे बना नहीं है अभी कुछ। दोस्तों खा लीजिए आप भी, नहीं तो बाद में कहें सुशांत जी आपने पूछा नहीं, इसलिए हमने आपको बता दिया कि खा लीजिए। दोस्तों अगली 14 फरवरी तक ये तैयार हो जाएंगे, फिर आपके घर तक हम पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ होगा तो। ये भूखी में नहीं, भूखी में नहीं, देख लो सूखा तालाब देख लो आप लोग। आओ चलें दोस्तों, क्या मैं इस कुएं में कूद जाऊं? दोस्तों मैं कुएं में नहीं कूदूंगी क्योंकि अभी मुझे घर भी जाना है। दोस्तों मेरी तरह और लोग भी पेपर दे करके यहाँ घूमने आए हैं। दोस्तों इसके पहले मैं आपको ये पार्क घुमा चुकी हूँ तो मैं पूरा पार्क नहीं घुमाऊँगी। और दोस्तों बगल में एक सूर्य कोई पैलेस है मतलब शादी वाला, तो आप देख रहे थे तैयारियाँ हो रही हैं उस साइड, वहाँ भड़वा बढ़ता भटका जा रहा है। दोस्तों शादी इस समय सालक का सीज़न है, तो बगल में आप देख सकते हैं शादी है, टेंट वेंट लगा हुआ है।
तो चलिए दोस्तों अब घर चलते हैं, क्योंकि अब खाना पीना भी खाया जाए। सुबह से भूखे प्यासे भूखे हैं दोस्तों, प्यासे क्या पानी खाई साथ में और चाय पी हम लोगों ने। तो चलिए अब घर की ओर अग्रसर करते हैं। पार्क में किसी और दिन फिर से आपको घुमा दूँगी। यहाँ पर कुछ खास है नहीं वैसे, बस अगर आपको टहला मारना है तो मार सकते हैं, बाकी सब ठीक है। तो चलिए घर की ओर चलते हैं। पठान सर जी वही रहेगा, उनको वहीं छोड़ दिया जाए। आज आप जेब्रा पार्क का फुल फॉर्म देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। फाइनली है क्या, हो सकता है किसी पेपर में पूछा जाए जेब्रा पार्क का फुल फॉर्म हो सकता है। दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूं और कोई मेरे घर में क्या कोई दोस्त है, आप सफाई कर रहा है प्लॉट की। और दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और ये मेरी दीदी पढ़ाई कर रही हैं। और इस मैं आपको अपने गार्डन का खेतवा घुमा दूँ। हालांकि दोस्तों मैं जहाँ पेपर देने की थी वहाँ पर सब खेत खेत ही था, चारों तरफ बस खेतवा ही था। सरसों की घास थी, DDLG वाला सीन था, मतलब सरसों का खेत था DDLG का। तो चलिए दोस्तों कुछ खा पी लेते हैं। और कोई लड़का आग लगाता हुआ ददिक ना देखियो तो तुमका और सामने से दिखे थे बेचारा। दोस्तों ये जैसे सबकी बातों में आग लगाता है वैसे देखिए इसमें आग लगा रहा पन्नियों में। साफ सफाई करता हुआ लड़का